भारत सरकार का एक स्कीम हैगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिहड़ी कि 1,00,000 करोड़ की स्कीम हैगी। जिहड़ा भी किसान 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लाउंदा है उहदा जिहड़ा लोन हुंदा है उहदी जिहड़ा इंट्रस्ट है उहदे विच उहनू 3% की छूट देवेगी भारत सरकार। जे असी किसानी वास्ते सानू मशीनरी चाहिए है जिवें स्टबल बर्निंग वास्ते चाहिए है, किसानी करन वास्ते चाहिए है, ड्रोन चाहिए है, IT टेक्नोलॉजी चाहिए है, सारे उत्ते जो लोन लैंदा तो 3% की उहनू उहदे ते इंट्रस्ट दे उत्ते छूट मिलेगी। पंजाब की खेती नू असी सिर्फ खेती तक नहीं रखना उहदे च वैल्यू एड करके असी अगे लैके जाएंगे ताकि किसान की इनकम वधे ते इस जिहड़े प्रदेश के लोग हैं उन्होंने लोकल रोज़गार मिले। जिहड़ा 2 किले वाला 2.5 किले वाला या 5 किले वाला फार्मर है क्या उसनू इन्नी नॉलेज है कि वह जाके गूगल से या इन्हें जाके रिसर्च करके वैबसाइटा से इन्हों का लाहा लै सके स्कीम का। सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज CII ने एक कॉन्फ्रेंस कराई है और उस कॉन्फ्रेंस बारे गलबात करांगे डायरेक्टर हॉर्टीकल्चर उन्होंने कि यह किस मुद्दे पर कराई गई है और यदा किसानों नू की फायदा है। मैडम ये किस मुद्दे पर कराई गई है और किसानों नू यदा की फायदा होएगा? ये मुद्दा हैगा भारत सरकार का एक स्कीम हैगी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिहड़ी कि 1,00,000 करोड़ की स्कीम हैगी। प्रोजेक्ट लगने ने 1,00,000 करोड़ दे उहदे विच जिहड़ा भी किसान 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लाउंदा है उहदा जिहड़ा लोन हुंदा है उहदी जिहड़ा इंट्रस्ट है उहदे विच उहनू 3% की छूट देवेगी भारत सरकार। तो जिवें असी पैक हाउस लाना है, कोल्ड रूम लाना है, कोल्ड स्टोर लाना है, साइलो लाना है, वेयर हाउस लाने हैं, किते भी असी कोई भी जिहड़ी प्राइमरी प्रोसैसिंग करनी है जिवें जे असी गुड़ बनाना है, ठीक है, जे असी चौलां दे मुरमुरे बनाने उन्हां सारिआं दे उत्ते जे आपां कोई भी इहो जिही मशीनरी लाउंदे हाँ, जे असी किसानी वास्ते सानू मशीनरी चाहिए है जिवें स्टबल बर्निंग वास्ते चाहिए है, किसानी करन वास्ते चाहिए है, ड्रोन चाहिए है, IT टेक्नोलॉजी चाहिए है, सारिआं उत्ते जे उह लोन लैंदा तो उहनू 3% की उहनू उहदे ते इंट्रस्ट दे उत्ते छूट मिलेगी। तो इस स्कीम नू वध तों वध लोगों विच पहुँचाउण लई क्योंकि जे पंजाब दे विच असी अज कोई भी प्रोसैसिंग यूनिट लाना है या असी वेयर हाउस बनाने उह इंडस्ट्रियल मैं जिहड़ा हैगा इंडस्ट्री वाले करदे ने। असी इह कीता वी CII ने साडे नाल मिल के इह कहा वी बैंकर्स इंडस्ट्री वाले फार्मरस असी जद तिन्नों इकट्ठे होवन नाल सरकार इह चार दायरे जद पंजाब दे इंडस्ट्री फार्मर और सरकार इह 3 दायरे मेन है जद असी इकट्ठे होवांगे तो पंजाब की खेती नू असी सिर्फ खेती तक नहीं रखना उहदे च वैल्यू एड करके असी अगे लैके जावांगे ताकि किसान की इनकम वधे तो इस जिहड़े प्रदेश के लोग हैं उन्होंने लोकल रोज़गार मिले मेन है। मैडम मैं तुहाडी बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन दिती है, तुसी बड़े अच्छे आंकड़े दिते ने, पर मैनू उस आंकड़ियां दे विच किते भी नज़र नहीं आया कि किसे किसान नू फायदा हुंदा नज़र आवे, क्योंकि उहदे विच तुसी आंकड़े दिते ट्रैक्टर इन्ने ट्रैक्टर इन्ना बाकी मशीनरी ट्रैक्टर दा जे गल करिए तो ट्रैक्टर खरीदते ने किसान और नाल ही बाहर आके 1,00,000 रुपये का वेच देंदे ने क्योंकि उन्हें अपनी कुड़ी का विआह करना हुंदा, पर तुसी उह आंकड़े गिनने ले मैनू इह दस्सो भी एक जिहड़ा 2 किले वाला 2.5 किले वाला या 5 किले वाला फार्मर है क्या उसनू इन्नी नॉलेज है कि वह जाके गूगल से या इन्हें जाके रिसर्च करके वैबसाइटा से इन्हों का लाहा लै सके स्कीम का? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल तुसी चक्या है। देखो जी, पंजाब के किसान सारियां कोल एंड्रॉयड फोन्स ने, पहली गल। दूजी गल, जिथे तक इस स्कीम का फायदा लैन की गल है वह हैगी है जिहड़े तुसी 2 एकड़ 2.5 एकड़ 1 एकड़ असी ये कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है भी जिहड़े अपने किसान कल्ले कल्ले काम करते कहिंदे ना उंगली अलग अलग वो नहीं काम कर सकती, मुट्ठी बंद होवे फिर वो कुछ भी कर सकती है। तो साढ़े जो छोटे किसान है इन्हां नू इकट्ठे होना पएगा, पहला कलस्टर बनाउण, FPO बनाउण, FPO बना के फिर असी इन्हां दी सांझी प्रोसैसिंग दी, कोल्ड स्टोर दी, रेफर वैन लैके इन्हां दा समान एक सिर्फ पंजाब च नहीं पूरे देश च जावे, एक्सपोर्ट होवे, वैल्यू एडिशन होवे, वो तां होएगा जे आपां इकट्ठे होवांगे। इसलिए असी ये कॉन्फ्रेंस किसानां वास्ते है और स्पैशली छोटे किसानां वास्ते है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने दस्या है कि इन्हों का एक उपराला है, एक कोशिश हैगी है भी छोटे किसान नूं किवें फायदा पहुँचाया जाए, ये हुण आने वाला वक्त दसेगा कि किन्ना क इन्हां स्कीमां का किसानों फायदा पहुँचता है। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दा।